तो आज मैं आपको एक नहीं बल्कि चार ऐसी सेफ और सुरक्षित डॉक्टर रिकमेंडेड मेडिकेटेड स्किन लाइटनिंग क्रीम के बारे में बताने वाली हूँ जिनका इस्तेमाल करके आप अपने स्किन को एक सेफ तरीके से बिना कोई नुकसान पहुंचाए दो से तीन शेड लाइट कर सकते हैं हाय गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस कभी कभी हम लोग ना बहुत ज्यादा अच्छा दिखने के चक्कर में या खुद के चेहरे को गोरा करने के चक्कर में अपने ही मन से या किसी फ्रेंड के सजेशन में आके अपने चेहरे पे गलत गलत क्रीम्स का इस्तेमाल कर लेते हैं जिसकी भरपाई हमें फिर लाइफ टाइम तक करनी पड़ती है जबकि गोरेपन के लिए यूज की जाने वाली ज्यादातर क्रीम्स में हाइड्रोकिनोन ब्लीचिंग एजेंट स्टीरोइड्स और मरकरी जैसे बहुत खतरनाक यूज होते हैं जिसका गलत इंपेक्ट हमारे स्किन के साथ साथ हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे भी पड़ता है इससे पहली वीडियो में मैंने आपको ऐसे ही चार सबसे खतरनाक क्रीम्स के बारे में बताया था जिनका इस्तेमाल आपको भूल भी अपने चेहरे पर नहीं करना है उसके बाद आप लोगों के बहुत सारे कॉमेंट्स मेरे पास आए जिसमें आप लोगों ने पूछा कि मैम कोई अच्छी सी सेफ सुरक्षित स्किन वाइटनिंग क्रीम के बारे में बताइए जो बिना नुकसान पहुंचाए हमें गोरा कर दे और अगर हम उसे लगाना बंद भी कर दें तो हमारी चेहरा फिर से काला न पड़े तो आज मैं आपको एक नहीं बल्कि चार ऐसी सेफ और सुरक्षित डॉक्टर रिकमेंडेड मेडिकेटेड स्किन लाइटनिंग क्रीम के बारे में बताने वाली हूँ जिनका इस्तेमाल करके आप अपने स्किन को एक सेफ तरीके से बिना कोई नुकसान पहुंचाए दो से तीन शेड लाइट कर सकते हैं इनमें से किसी भी क्रीम का इस्तेमाल आप स्किन लाइटनिंग के साथ साथ चेहरे में पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए भी कर सकते हैं अन ईवन स्किन टोन अगर आपकी है कहीं कहीं पे काली कहीं कहीं पे गोरी तो उसको इवन टोन करने के लिए आप इन क्रीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एक्ने पिंपल्स के हल्के निशान एज स्पॉट सन टेन को रिमूव करने के लिए आप इन क्रीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं चेहरे में ग्लो लाने के लिए चमक लाने के लिए आप इन क्रीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ये चारों ही क्रीम बिल्कुल सेफ हैं, 100 परसेंट स्टीरोयड फ्री हैं। इनका एज सच कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है तो इसलिए ये क्रीम लॉन्ग टाइम यूज के लिए भी सेफ हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले सेफ और सुरक्षित क्रीम जैसे कि आप स्किन लाइटनिंग के लिए यूज कर सकते हैं वो है बायुमा स्किन ब्राइटनिंग क्रीम फ्रेंड्स बायलोमा स्किन लाइटनिंग क्रीम एक मेडिकेटेड क्रीम है जैसे कि स्किन डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बायलोमा क्रीम लगाने के बाद आपका चेहरा एकदम गोरा चट्टा हो जाएगा क्योंकि इस क्रीम में ना तो ब्लीचिंग एजेंट हैं और ना ही स्टीरोइड्स हैं लेकिन येस ये क्रीम काफ़ी इफेक्टिव है ये आपके स्किन को दो से तीन शेड जरूर लाइट करती है जिससे कि आपके स्किन पहले से ज़्यादा क्लियर और बेटर नज़र आती है इसके साथ ही ये अन ईवन स्किन टोन को ईवन करती है अगर आप इसको डल स्किन पे यूज़ करते हैं एक बेजान मुरझाई हुई स्किन पे अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो ये उसमें ग्लो को इनहेंस करता है आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करने लगती है बायलुमा क्रीम के इंग्रेडिएंट की अगर मैं बात करूँ तो बायलुमा क्रीम में सिक्स पोटेंट एंड प्रूवन नेचुरल स्किन वाइटनिंग इन्ग्रीडियंट यूज़ किए गए हैं जैसे कि इसमें है कोजिक एसिड डाई पाल्मिटेड जो कि मशरूम से लिया गया है इसमें है आरब्यूटन जो कि बियर बेरी प्लांट से लिया गया है इसमें लिक्यूराइज एक्सट्रैक्ट है मलबरी एक्सट्रैक्ट है टेट्रोहाइड्रोकरक्यूमिन है इसमें है आर्टो कार्पस एक्सट्रैक्ट बाइलुमा क्रीम आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में बहुत ईजिली मिल जाएगी इनकेस अगर आपको मेडिकल स्टोर में नहीं मिलती है तो मैं ट्राई करूँगी कि इसकी बाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँ वहाँ से आप इसे ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं अब देख लेते हैं कि इस क्रीम को यूज़ कैसे करना है बाइलुमा क्रीम को आपको रात को सोने से पहले यूज़ करना है इसके लिए पहले आप अपने फेस को अच्छे से वॉश करके क्लीन कर लें पेट ड्राई करने के बाद आपको एक मटर के दाने के बराबर अमाउंट लेना है इससे ज़्यादा क्रीम आपको नहीं लेनी है एक मटर के दाने के बराबर आप क्रीम लेंगे उसके बाद ऑल ओवर फेस पे इसको अप्लाई कर लीजिए हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए क्रीम को अच्छे से फेस में ऑब्जर्व होने दीजिए उसके बाद रात भर के लिए क्रीम को फ़ेस में लगा के छोड़ दें और मॉर्निंग में किसी अच्छे फेस वॉश से अपने फेस को वॉश कर लें एंड देन आपको एक सनस्क्रीन अप्लाई करना है और अगर आप इस क्रीम को यूज करें इवन अगर आप ये चारों में से कोई भी क्रीम यूज़ करते हैं तो सनस्क्रीन अप्लाई करना मस्ट है एटलीस्ट एस पी एफ फोर्टी प्लस सनस्क्रीन आपको यूज़ करना है चाहे आप घर के अंदर रहें या घर से बाहर रहें तभी आपको इस क्रीम का अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आप इस क्रीम को बिना एक दिन भी स्किप किए हुए रेगुलरली नाइट में यूज करते हैं तो वन वीक में ही आपको अपने स्किन में डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा लेकिन कंप्लीट विजिबल रिजल्ट के लिए दो से तीन महीने तक का टाइम लग सकता है तो गाइज अब बात कर लेते हैं दूसरी सेफ और सुरक्षित स्किन लाइटनिंग क्रीम के बारे में तो दूसरी सेफ और सुरक्षित स्किन लाइटनिंग क्रीम है गो लाइट क्रीम गो लाइट एक नेचुरल स्किन लाइटनिंग क्रीम है जो कि आपके स्किन टोन को लाइट करने के साथ साथ आपके स्किन को सन डैमेज से भी प्रोटेक्ट करती है गो लाइट क्रीम न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स के कॉम्बिनेशन से तैयार की गई है जो कि आपके स्किन टोन को लाइट करने के साथ आपके चेहरे से हाइपर पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करती है ये क्रीम थोड़ा सा कॉस्टली है कम्पेयर टू तो बाइलोमा क्रीम लेकिन वर्थ है आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा गोलाइट क्रीम भी आपको रात को सोने से पहले यूज करनी है एंड बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको गो लाइट क्रीम तीन महीने तक लगातार यूज करनी है गाइस तीसरी सबसे सेफ और सुरक्षित क्रीम है कोजविट प्लस जेल कोजविट प्लस जेल एक काफ़ी सेफ डॉक्टर रिकमेंडेड स्किन लाइटनिंग क्रीम है जो कि डॉक्टर द्वारा तब प्रिस्क्राइब की जाते हैं जब आपकी स्किन ब्लैक पड़ जाती है पिगमेंटेशन की वजह से डार्क स्पॉट्स की वजह से फ्रैकर्स की वजह से ब्लैमिश की वजह से या सन डैमेज की वजह से तो उस ब्लैक पड़े स्किन को ये लाइटन अप करने का काम करता है इसमें मौजूद कोजिक एसिड एक सबसे पावरफुल नेचुरल स्किन लाइटनिंग इन्ग्रीडियंट है जो कि आपके स्किन में मिलेन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है उसे कम करता है कोजिक एसिड ऑल्सो रिड्यूज़ द फॉर्मेशन ऑफ रिंकस एंड फाइन लाइन्स ऑल्सो ये आपके स्किन के टोन एंड टेक्स्चर को भी बेटर करता है गाइस चौथी सबसे सेफ और सुरक्षित स्किन लाइटनिंग क्रीम है ग्लैम बैक जेल ग्लैम बैक जेल भी एक काफी सेफ स्किन लाइटनिंग क्रीम है जो कि डॉक्टर द्वारा भी रिकमेंड की जाती है ये आपके स्किन टोन को लाइट करने के साथ साथ आपके स्किन में मॉइस्चर को भी रिस्टोर करता है जिससे कि आपका स्किन का आपका चेहरे का पी लेवल भी बैलेंस रहता है प्लस इसमें कुछ ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं जो कि आपके फेस से फाइन लाइंस, रिंकर्स को भी रिड्यूस करते हैं और आपके स्किन को स्मूथ बनाते हैं ये ओवरऑल आपके स्किन की क्वालिटी टेक्सचर को काफ़ी बेटर करती है और आपके स्किन को दो से तीन शेड लाइट भी करती है तो गाइज़ ये थी इंडिया की चार सबसे सेफ और सुरक्षित स्किन लाइटनिंग क्रीम इनमें से कोई भी एक क्रीम जो भी आपके बजट में हो आप अपने स्किन लाइटनिंग के लिए यूज कर सकते हैं ये सारी ही क्रीम सेफ हैं ऑल स्किन टाइप्स के लिए सुटेबल हैं लड़के लड़कियां दोनों ही इसको यूज़ कर सकते हैं बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको इन क्रीम को तीन महीने तक लगातार यूज़ करना है